पूरे देश में उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो, अगर हम सबको जोड़ने का कोई काम करता है तो वो संस्कृति करती है, हमारा कल्चर करता है, और वो कल्चर है सनातन, जिस सनातन के अगुआ हमारे अन्नामलाई हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा करना और उसको इस मुकाम तक लाना, मैं विशेष रूप से दिल से आपको अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारे खाने पीने का ढंग अलग हो सकता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अगर दिल से कोई एक आवाज़ निकलती है तो वो निकलती है भारत माता की जय। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इस देश में क्या क्या परिवर्तन आया है। 2014 से पहले हम दिल्ली में बैठे हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब भ्रष्टाचार और करप्शन की आवाज़ नहीं आती थी, आए दिन हमें घोटालों की आवाज़ सुनने को मिलती थी। लेकिन आज क्या है, आज सुनाई देता है उज्ज्वला योजना, आज सुनाई देता है प्रधानमंत्री आवास योजना, आज सुनाई देता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज सुनाई देता है जनधन योजना, ऐसी अनेकों अनेक योजनाएँ जिससे आम आदमी को लाभ मिल सके। और हम तो दिल्ली वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं, कोविड में जब हम सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अपने देश के हर वासी को सुरक्षित रखूंगा। कोई सोच सकता था कि हमें वैक्सीन बनानी पड़ेगी, हम वैक्सीन बनाएंगे भी और वैक्सीन लगाएंगे भी और वैक्सीन भेजेंगे भी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को लगी है, और जब हमारे दिल्ली की बस्तियों में रहने वाले लोगों को कामकाज की दिक्कत हुई तो कोविड से लेकर आज तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर घर में राशन जाए और उसको उसके पैसे ना देने पड़े, फ्री में जाए, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और ये भी कहा कि अगले 5 साल तक इसको लागू रखेंगे। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सोए ये सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया।